मुरादाबाद में जनविश्वास रैली में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2017 में युवाओं की हाजिरी से बीजेपी सरकार बनी और अब 2022 में भी जनता की लहर बीजेपी की सरकार बनाएगी। एक समय था जब माफियाओं का राज था, माताओं बहनों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था। 2017 में जब योगी के नेतृत्व में सरकार बनी तब माफियाओं और बाहुबलियों को जमी दो जोर जेल का रास्ता दिखाया। बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। अमित शाह ने कहा कि वर्षों से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और आज उसे धरातल पर उतरने का काम किया। विपक्ष ताने मारता था कि मंदिर वही बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। केंद्र में मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 5 अगस्त को भूमि पूजन कराया। सपा बसपा कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन मंदिर अब बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहा कि अखिलेश को एक रेड से बहुत दिक्कत हो गई। सवाल कर रहे हैं कि क्यों रेड पड़ी। 250 करोड़ रुपए गरीब जनता का पैसा डकारने का काम कर रखा था। मोदी की सरकार गरीब के विकास में लगी है, इसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। एक नई प्रयोगशाला बनाई थी, नए बाजार की प्रयोगशाला। प्रयोगशाला को अंग्रेजी में टूपॉट सर्वे लैब कहते हैं। लैब का स्पेलिंग होता है LAB। इन्होंने एल से पूरे प्रदेश को लूट कर पहले बार ये इतना वाले जैसे पूरे भरने का काम किया था। पूरे भरने का आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को, जानते हो अयोध्या को, कितनी लड़ाई की बचाव गई, कितनी लड़ाई की। 1000 हेक्टेयर भूमि, 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर ली थी। आज कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? उनको जेल में बनाने कौन जाता है? जोर से बोलो, कौन जाता है? वो अगर सीएम बनते हैं तो जेल में रहेंगे क्या, रहेंगे क्या, बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप चाहते हो बाहर आए, आप चाहते हो बाहर आए, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भाजपा सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। मित्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा क्षेत्र का प्रदेश, और इनको तो गंगा का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 कहते हैं। अरे भाई, जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ पर गन्ने का काम है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को कश्मीर से समाप्त कर दिया। विपक्ष में बैठी सपा बसपा कांग्रेस को तब भी दर्द हुआ। दिल्ली में सैनिक मेमोरियल बीजेपी ने बनाया और गरीबी हटाओ की बात करने वाली पार्टी 70 साल तक राज किया पर गरीबी नहीं हटी।